विश्वसनीयता भगवान बुद्ध के समय से ही गिनती में आई है, जिसके सबूत लगभग भारत के हर कोने में जमीन पर खुदाई के उपकरण के स्पर्श करते ही शिलालेख, स्तूप या स्तंभ के रूप में निकलकर अपनी सत्यता का स्वयं ही प्रमाण देती है। हम ऐसे ही एक प्राचीन नारियल के वृक्षों से घिरे सुंदर जगह पर जा रहे हैं, जहां भगवान बुद्ध स्वयं आए थे और उस परिसर को अपने स्पर्श से पावन कर दिया था। वह जगह है मुंबई से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर तहसील वसई, जिला पालघर के नाला सुपारा। इस वीडियो में हम उस जगह पर मिले अवशेषों को तो देखते ही हैं, साथ में उससे जुड़े ऐतिहासिक तथ्य को भी समझेंगे। सुपारा के प्रवेश द्वार पर सुंदर भगवान बुद्ध के शिल्प को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सन 1882 में पंडित भगवान लाल इंद्रजीत द्वारा इस तालाब के परिसर में संशोधन और खुदाई की शुरुआत की गई। तब यह जगह पूरी तरीके से जमीन के नीचे दबी हुई थी। उससे पहले इस जगह को लोग बुरुड राजा का किला करके पुकारते थे, जो आज से 25 सालों तक कहा जाता रहा है। मगर जैसे ही खुदाई हुई तो दो शिलालेख मिले, जो आज की तारीख में एशियाटिक सोसाइटी मुंबई स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में रखे गए हैं। शिलालेख मिलने के बाद 2500 साल पुरानी ऐतिहासिक बातें सामने आईं। यहाँ पर मिले भग्नावशेष तथा लिखित तथ्यों से पता चलता है कि नाला सुपारा का 2500 साल से भी ज्यादा पुराना प्रमाणित इतिहास है। किसी जमाने में सुपारा को सुरपारक नगरी के नाम से जाना जाता था तथा यह नगरी देश विदेश से व्यापार के लिए मशहूर थी। यहाँ पर लगे समुद्र किनारे पर प्राचीन काल में बड़ा बंदरगाह था और लगभग पोर्तुगीजों के काल तक यह बंदरगाह यहीं पर था, मगर अंग्रेजों के हाथों में यह जगह आते ही उन्होंने बंदरगाह को मुंबई में शिफ्ट किया। उस जमाने में यहीं से देश विदेश में भारतीय वस्तुओं का आयात निर्यात होता था, जिस कारण नगरी जम्मू द्वीप में व्यापार का प्रमुख केंद्र थी तथा बड़े बड़े व्यापारी इस नगरी के बाशिंदे थे। भगवान बुद्ध के काल में यहाँ के प्रसिद्ध पूर्णा नामक एक नामचीन व्यापारी व्यापार के सिलसिले में श्रावस्ती गए थे। वहाँ अनाथ पिंडक के जेत वन में भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनकर वे इतने प्रभावित हुए कि वे वहीं पर बुद्ध अनुयायी बनकर प्रवचित हुए और भिक्षु बनकर कई सालों तक श्रावस्ती में ही रहे। धम्म का ज्ञान प्राप्त करके वापस यहाँ सोपारा आए और चंदन की लकड़ी से यहाँ एक विशाल बुद्ध विहार का निर्माण किया। भिक्षु पूर्णा के विनती को मानकर भगवान बुद्ध खुद अपने 500 भिक्षुओं के संघ के साथ यहाँ आए और उन्हीं के हाथों विहार का उद्घाटन करवाया गया। उस वक्त लगभग 70,000 स्त्री पुरुषों ने भगवान के सानिध्य में बुद्ध धम्म की दीक्षा यहाँ ग्रहण की थी। भगवान बुद्ध जब यहाँ से जाने लगे तब उनके आगमन की याद सदा बनी रहे, इसलिए भंते पूर्णा ने उनसे भिक्षा पात्र मांगा और यही सुरक्षित रखा जो खुदाई में मिला। वह भिक्षा पात्र आज भी लंदन के म्यूजियम में रखा गया है। कि भगवान बुद्ध जी की मूर्ति जो है पहले यहाँ होती, अभी जो रिनोवेशन का जो काम चल रहा है उसकी वजह से उनको अभी यहाँ स्थापना किया गया। इसका बहुत सुरपारक नगरी का बहुत बड़ा इतिहास है, जबकि सम्राट अशोक के लड़का और लड़की यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए आए थे, ऐसे सब जरूरी सब कागजात वगैरह आज अवेलेबल हैं। इसके लिए उसका बहुत बड़े मायने रखते हैं, खास करके बुद्ध धर्म के लिए ये सुरपारक नगरी जो है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। सम्राट अशोक ने धम्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध भिक्षु बनाकर श्रीलंका में बोधि वृक्ष के साथ जब भेजा, तब उन्होंने इसी जगह पर बनाए गए बुद्ध विहार पर विश्राम कर समुद्री रास्ते से अपनी आगे की यात्रा की शुरुआत की। उपरांत सम्राट अशोक ने जब 84,000 बुद्ध स्तूप, विहार और स्तंभ बनाए, उन्हीं में से यहाँ भी एक स्तूप और दो शिलालेखों का निर्माण किया।
जो बुद्ध धम्म के प्रभाव के कम होने के साथ धीरे धीरे अवशेषों में परिवर्तित होते गए। अभी ये जो आप देख रहे हो, अभी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है, उनका जो भी काम चल रहा है, अभी ये जो पुरानी मूर्तियाँ यहाँ पर आप देख रहे हो, ये सब बहुत साल, मतलब करीबन 1000-2000 साल पुरानी मूर्ति हो सकती है ये, और इनको अभी आप अभी यहाँ लाया गया है। यहाँ से मिली कई मूर्तियाँ या तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है या लंदन के म्यूजियम में अंग्रेजों द्वारा ले जाकर रखी गई है। सैकड़ों वर्षों बाद 6 मई 1955 को इसी स्तूप की जगह पर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब के उपस्थिति में बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर के अनुसार इस स्तूप की रचना भी सांची के स्तूप के समान रही होगी और काफी विस्तृत जगह पर यहाँ का विहार तथा शिक्षा केंद्र फैला होगा, मगर वक्त की धारा में समुन्दर यहाँ से दूर होता गया और आज बस इतना ही परिसर बचा है। नारियल के पेड़ों के बीच बना यह सुंदर स्तूप और ये जगह आज भी मन को शांति देती है और निश्चित तौर पर उस काल में ये जगह कितनी अलौकिक रही होगी। इस स्तूप और अवशेषों के पुनरुत्थान के लिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट लगा हुआ है, मगर काम बहुत धीमा चल रहा है। पूजनीय भिक्खुनी एस संगमित्रा पिछले 20 सालों से संगमित्रा गंधकुटी बुद्ध विहार ट्रस्ट के माध्यम से इस जगह के उत्थान के लिए कार्यशील है तथा उनसे स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर बात की जा सकती है।